तो सीडीएस का कितनी बार क्या पेपर दिया? सीडीएस का 4 बार पेपर दिया सर, मेरा 4 बार सीडीएस क्लियर हुआ है। 4 बार क्लियर हो गया, फिर कमी कहाँ रहेगी? तो इंग्लिश की तैयारी कैसे की बेटा सर? इंग्लिश मैंने स्टार्टिंग से आपसे ही पढ़ी थी, मैंने आपका इंग्लिश का जो स्पेशल बैच था वो किया था। एक बार सीपीओ पहले भी कर चुका है और इसके बाद अब ये सीपीओ क्वालिफाई करके 210th रैंक की इसने बच्चे ने ली है। अच्छा, कई बार ऐसा हुआ है लाइफ में कि जैसे आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते पढ़ते कोई मतलब नेगेटिविटी इतनी ज्यादा आ गई होगी अब बस नहीं पढ़ने का मन करता, छोड़ो यार? बहुत सारे बच्चे तैयारी करने से पहले न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देते हैं, अधिकतर इंटरव्यूज वगैरह देखते हैं, किसी बच्चे ने कोई स्ट्रेटेजी बना दी। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस महफिल में। और आज हमारे साथ बैठे हैं अंकित, जिनका रैंक है 210। सीपीओ का एग्जाम इन्होंने 2023 क्वालिफाई किया है और एक अच्छी रैंक के साथ ही आपके सामने है। और इनकी स्टोरी बड़ी अद्भुत है, मैं भी इस बच्चे से बात कर रहा था लेकिन इस बच्चे से बात करने में जो मेरा पहला इंप्रेशन था वो इसे देखते ही मैंने कहा कि भाई सीपीओ लायक तो नहीं है, और ये बच्चा खूब हंसा। ऐसा क्यों मुझे महसूस हुआ? क्योंकि इस बच्चे के चेहरे को देखकर ये महसूस होता है कि ये किसी अच्छी ऐसी पोस्ट के लिए बना है जिस पोस्ट पर बैठकर काम किया जाए, और पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। खैर, बाकी की बातचीत इस बच्चे से ही करते हैं। तो कब से तैयारी कर रहे हो भाई इनकी, बताओ जरा अपने बारे में कुछ। सर, मैं तैयारी तो 2021 से ही कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो मेन फोकस था वो यूपीएससी सीडीएस था सर। अच्छा, आर्म फोर्सेस का था सर मेरा, मतलब मेन, तो वहाँ हो नहीं पाया इसलिए मैंने एसएससी स्विच किया। तो सीडीएस का कितनी बार क्या पेपर दिया? सीडीएस का 4 बार पेपर दिया सर, मेरा 4 बार सीडीएस क्लियर हुआ है। 4 बार क्लियर हो गया, फिर कमी कहाँ रहेगी? फिर कमी सर मेरा इंटरव्यू में एसएसबी में कॉन्फ्रेंस आउट हुआ सर। मैं एसएसबी का कॉन्फ्रेंस आउट हुआ है, तो कॉन्फ्रेंस आउट होने का कोई खास रीजन? सिर्फ पता नहीं क्या रीजन रहा होगा, लेकिन हमेशा मैंने अपना बेस्ट दिया है। कहाँ था आपका कॉन्फ्रेंस, कहाँ हुआ था? सर अलग अलग जगह था, पहला मेरा देहरादून था, पहला फिर गांधीनगर हुआ है सर मेरा। उसके बाद हमेशा एयरफोर्स के ही थे सर। अच्छा, एयरफोर्स दो देहरादून हुए, फिर उसके बाद ये मतलब सीपीओ कितनी बार दिया है? सीपीओ सर मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था, मेरा लास्ट बार भी लिया था, लास्ट में ज्वाइन नहीं किया सर मैंने। अच्छा, पिछली बार भी हो गया, क्योंकि मेरा उस टाइम तक सीडीएस के अटेम्प्ट थे सर एयरफोर्स के। अच्छा अच्छा, हाँ सर, इसलिए मैंने मेन फोकस नहीं था, मैंने दे दिया था ये, मतलब फिर इस बार तो लेकिन ज्वाइन करेंगे सर। देखो, इसका यही रीजन है कि मैं इसको सीपीओ में देखकर मतलब मेरे को अजीब लग रहा है, क्योंकि सीपीओ का बच्चा जो क्वालिफाई करके आता है ना, वो एक सीरियस बच्चा होता है ऐसा, मतलब उसके चेहरे पर वो मतलब एटीट्यूड होता है, लेकिन इस बच्चे का ये जो हंसी मजाक वाला सा चेहरा है ना, एक ऐसा चेहरा जो मस्त मोला सा चेहरा है, ये चेहरा ऐसा होता है कि जैसे आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हो और आपके नीचे बहुत सारे सबॉर्डिनेट्स बैठे हुए हैं और आप मुस्कुरा कर उनसे काम करवा रहे हो और आप मोटिवेट कर रहे हो, लेकिन अगर सोचो ऐसा, अगर मान लीजिए अभी कौन सा मिला आपको, CISF, मान लो इसने किसी को पकड़ लिया और उससे मुस्कुरा के बात करने लग गया तो होगी सेटिंग। तो इंग्लिश की तैयारी कैसे की बेटा सर? इंग्लिश मैंने स्टार्टिंग से आपसे ही पढ़ी थी, मैंने आपका इंग्लिश का जो स्पेशल बैच था वो किया था। मैं ना कभी सीडीएस में दिक्कत आई, सीडीएस हमेशा मेरे 75-80 के आसपास, एक बार 35 भी आए थे मेरे इंग्लिश में। तो वो क्या नाम है, नोट्स वगैरह आपके? नोट्स हैं सर मेरे आपके पास, मतलब नोट्स दिखाओ एक बार सारे बच्चों को भाई। ये सर मेरे इंग्लिश के नोट्स हैं सर। ये है भाई इस बच्चे के नोट्स, और देखो इसने बिल्कुल नोट्स, मेरे बच्चों इस बच्चे ने नोट्स बिल्कुल वैसे ही कलरफुल बनाए हैं जिस तरह से मैं आप लोगों को क्लास में कलरफुल बोर्ड पे लिखवाता हूँ। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर आप अपना खुद के लिखे हुए जो भी आपने बोर्ड पे लिखा वो हमें दिया करो, लेकिन इस बात को ध्यान से देखो, जब कोई भी स्टूडेंट अपने हाथों से नोट्स लिखता है तो ये जो लिखा हुआ नोट्स है ना, ये महसूस कराता है कि भाई आपने जी जान से इसमें सच में मेहनत की है। अच्छी कोशिश है बेटा। तो घर में कौन क्या करता है? सर पापा हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। सब इंस्पेक्टर सर, तो भाई साहब खुश हो, मम्मी होम मेकर है सर। अच्छा मम्मी, तो फिर पापा ने ये नहीं कहा कि भाई हरियाणा में आ जाता, दिल्ली में आ जाता? पापा वही बोल रहे हैं कि घर के पास रहता तो बेस्ट रहता, पर कोई नहीं, ये भी अच्छी अच्छी है। देखो माँ बाप को एक तो ये खुशी तो मिलती है कि भाई बच्चे अपना टाइम से, अब एज कितनी बेटा आपकी? मैं से 24 हो गई, हो जाएगी अभी 10th अगस्त। अच्छा 24, वैसे तो 23 में ही आपकी अचीवमेंट है। घर में कौन कौन है भाई? घर में सर मम्मी है, पापा है, छोटी बहन है, छोटा भाई। अच्छा, आप अब सिबलिंग्स में सबसे बड़े हो? हाँ जी सर। तो उनको भी पढ़ा वढ़ा रहे हो, कुछ उनको मोटिवेट कर रहे हो? पढ़ रहे हैं, वो मेरे को देख के और हो रहे हैं। बढ़िया बात है, चलो अच्छी बात। बहन नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रही है सर। अच्छा, नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी अभी कंप्लीट की उन्होंने, अभी कंप्लीट हुई है और वो एग्जाम होता हुआ, ये भी अच्छी बात है। तो इंग्लिश को टोटल कितना टाइम देते थे आप पढ़ाई में? इंग्लिश को सर मैंने आपका बैच किया कंप्लीट करने के बाद, फिर मतलब जब पेपर आता था उसे एक महीने उठाता था, मैं सिर्फ नोट्स को उठाता था, मैंने कुछ अलग सोर्स लिया ही नहीं। अच्छा, और कुछ भी नहीं? नहीं, और कुछ नहीं किया सर, मैंने ये नोट्स ही किए हैं बस। कभी पेपर आ गया, सीडीएस का आ गया, तो मतलब यही नोट्स रिवीजन करते था और कोई सोर्स नहीं पकड़ा, मतलब यही किया जो था यही था, और मेरे कभी अटका ही नहीं सर पेपर, तो मैंने दूसरा सोर्स कभी उठाया भी नहीं। देखो बच्चों, ये बात सुनकर मतलब आपको यकीन होता नहीं होगा वैसे, क्योंकि जब भी हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर ये जागरूकता ज़्यादा होती है कि सर इसके अलावा और क्या करें,
क्लास के नोट्स हैं, क्लास की पीडीएफ, अगर इतना आप कर लेते हो वो इनफ है आपके लिए। और जैसे ये बच्चा आपके सामने जीता जागता सबूत है, जो सीडीएस 4 बार क्वालिफाई कर चुका है, एक बार सीपीओ पहले भी कर चुका है और इसके बाद अब ये सीपीओ क्वालिफाई करके 210th रैंक की इसने बच्चे ने ली है। पहली बात तो इसकी रैंक 210 हो चाहे 2010 हो चाहे इसकी रैंक सेकेंड हो, इससे सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इतना फ़र्क पड़ता है कि आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आप अपने आप में कई लोगों को मोटिवेटेड कर जाते हैं। किसी बच्चे का रैंक ज़्यादा या कम अगर आ जाता है तो वो कभी भी सुपीरियर या इन्फीरियर फील नहीं उसे करना चाहिए। मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल सर। बस इतना फ़र्क होता है, जैसे पेरेंट्स उम्मीद करते बेटा घर के पास हो जाता या दूर हो जाता। तो इवन सर मेरे दोस्त भी, एक दोस्त ऊपर आया हुआ है वो, और दो तीन दोस्त वही नोट्स ही पढ़ते हमेशा, सिर्फ नोट्स नोट्स ही पढ़ते हमेशा। इसमें वोकैब का भी कर रखा है मैंने, जो भी है ये नोट्स ही पढ़ते हमेशा। कुछ मतलब वोकैब की दिखा भाई, वोकैब आप करवाते थे बीच बीच में सर, 20 में वोकैब करवा दी बीच। ये देखो सर, ये वोकैब है, मतलब आप नहीं करवाते थे पहले बीच में, ये वोकैब है सारे। स्टार्टिंग में क्लास करवाते उससे पहले 20 मिनट पहले वो कैप करवाते थे, उसके बाद में। अच्छा, पुराने जब पुराना बैच हुआ करता था तो उस समय क्लास के शुरू होने से पहले करीब 20 मिनट के लिए वोकैबुलरी की जो हम क्लासेस कराते थे, इस बच्चे ने उसके ये नोट्स लिखे हुए हैं, उसको अच्छे से और पढ़ लिया सर उसमें से कहीं ना कहीं। अगर उसको पढ़ लिया था तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता था अगर कोई नया आता था तो। अच्छा, कई बार ऐसा हुआ है लाइफ में कि जैसे आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते पढ़ते कोई मतलब नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा आ गई हो कि अब बस नहीं पढ़ने का मन करता, छोड़ो यार। सर वो तो बहुत बार आई है। उस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया था सर? उस चीज़ को बस थोड़ी देर मेडिटेशन करते, सुबह सुबह का वर्कआउट हमेशा इंक्लूड किया है सर, 1-1.5 घंटे का वर्कआउट करते सुबह, कुछ भी जैसे लगता था तो थोड़ी देर बाहर निकल जाते थे। तो जिम करते थे या अपना देसी? नहीं सर, देसी बिल्कुल, रनिंग ज़्यादा करते सर। रनिंग, टेंशन हुई तो रनिंग कर ली, बस ठीक हो जाता था फिर। तो आपके साथ आपका ग्रुप कितने स्टूडेंट्स का था जो तैयारी करता था? मेरा ग्रुप है सर 5-6 स्टूडेंट्स, हम सारे सीडीएस वाले थे, हम सारे मिलके एसएसबी की तैयारी मिलके की हमने, मतलब टेलीग्राम ग्रुप बना रखे थे। तो रात को 10:30-11 बजे जब भी मतलब सारे फ्री होते थे तो लेक्चर रेट होता है मतलब एसएसबी के अंदर कोई भी टॉपिक की, तो साथ तैयारी करते थे सारे, रिटन की भी साथ की, फिर नोट्स तो मेरी यूज़ किए सर इंग्लिश वाले मोस्टली। अभी कल सीडीएस का पेपर हुआ है और कल रात को ही हमारे पास पीडीएफ आ गई थी क्वेश्चन पेपर की। अभी आप विश्वास नहीं करोगे, आपके इस डिस्कशन से पहले भी मैं और मेरे साथ और भी मेरे टीम के जो सदस्य हैं, हम एक एक क्वेश्चन पर बहुत गहराई से काम कर रहे हैं। उसके दो हैं बेनिफिट्स, एक तो उस चीज़ को मैं YouTube पे और अपने वोकैब सिलेक्शन बैच में कराऊंगा, उसके अलावा जो भी हमारे रनिंग बैचेज हैं जहाँ जहाँ जिस जिस क्वेश्चन से हमें एक आइडिया मिलता है कि अब एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू ये चल रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने क्लास कंटेंट में वेरिएशन लेकर आते हैं। इसीलिए जैसे ही बच्चा कह रहा है कि सर नोट्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ा, तो ये चीज़ इस वजह से भी प्रूव हो जाती है कि आपके लिए जो हम मेहनत करते हैं वो टाइम टू टाइम अपने कोर्स ऑफ एक्शंस बदलते चले जाते हैं ताकि आपके लिए वो पढ़ाई उतनी टू द पॉइंट हो जाए कि कम समय में सटीक बात। वरना इरिलीवेंट पढ़ना है तो आप इंग्लिश के लिए चाहे 200 लेक्चर्स देख लो, उससे कोई यूज़ तो होता नहीं है। खैर, वोकैबुलरी हो गई आपकी, ग्रामर हो गई, कॉम्प्रीहेंशन को मेंटेन करने के लिए क्या किया? उसके लिए मॉक्स दिया करते सर, लगातार मॉक्स देते थे। और सीडीएस के टाइम पे जब जनरल नॉलेज की ज़रूरत होती थी तो हिंदू पढ़ते थे सर, मतलब 2 घंटे कम से कम देते थे। अच्छा, द हिंदू न्यूज़ पेपर। वैसे एक बात बताओ, मैं मुर्गी आया या अंडा आया उस सवाल से रिलेटेड ही है ये। बहुत सारे बच्चे तैयारी करने से पहले न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देते हैं, अधिकतर इंटरव्यूज वगैरह देखते हैं, किसी बच्चे ने कोई स्ट्रेटेजी बना दी। एक तो सिलेक्टेड बच्चों के इतने यूट्यूब चैनल हो गए हैं कि टीचर की बात माननी नहीं और उनकी बातों को ऐसा मानना हो जाता है कि जैसे मान लीजिए आपकी आंखों में चश्मा लगा हुआ है और आपका चश्मा यूं कहीं मैंने पहन लिया कि भाई मेरी आंखें खराब हैं नहीं हैं, पर चश्मा आपका ही लगाना है क्योंकि आप सिलेक्टेड हैं। पहले अपना पूरा कोर्स कर लेना चाहिए या पहले से ही दही उठाओ न्यूज़पेपर पढ़ने? नहीं सर, मैंने तो पहले अपना पूरा कोर्स किया था, उसके बाद ही मतलब उस पढ़ना स्टार्ट किया। उसमें फिर अपने आप ऑटोमेटिक लाइंस होती हैं सर, उसमें पकड़ होती है कि ये पार्ट ऑफ स्पीच भी ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो अगर पहले कोर्स करता ही नहीं तो समझ भी नहीं आता कुछ, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बनेगी, उसका फायदा नहीं सर, कुछ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं। पहले मैंने कोर्स ही किया था कंप्लीट, उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर उठाया था, क्योंकि एक लेयर है। पहले आप पूरी ग्रामर को, आप जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबुलरीज हैं उनको अच्छे से जब समझ लेते हो, उनकी अच्छी से एक पकड़ बना लेते हो, न्यूज़पेपर पढ़ो आप, नॉवल पढ़ो आप, कोई भी चीज़ पढ़ो, आपको वो फिर आराम से समझ में आती है। उसमें सर साफ साफ दिखता है फिर कि ये पार्ट ऑफ स्पीच चल रहा है, इसमें ये एडजेक्टिव है सेंटेंस के अंदर, इसमें ये चल रहा है, उसके अंदर फिर मतलब बहुत इंटरेस्ट भी बनता है न्यूज़पेपर पढ़ने में कि कुछ समझ में आ रहा है। जेन्युइन बात है, बिल्कुल जेन्युइन बात है। मतलब एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ज़रूरी है कि पेशेंस के साथ आपको करीब 4-5 महीने का अपना पूरा सिलेबस कवर कर लेना चाहिए, उसके बेस पर आप आराम से आगे एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आगे आगे क्या करने की तैयारी है सर? अभी मैं ये वापस सीपीओ दूंगा और सीडीएस की तैयारी चल ही रही है सर मेरी। अच्छा, अभी सीडीएस एक बार और फेस करना है, तो मतलब सीपीओ के पीछे क्यों पड़े हो भाई? पीछे नहीं पड़ा हुआ सर, मतलब
अभी ये सच बताऊँ तो मैं देना पड़ा सर मजबूरी में पेपर, सिलेक्शन भी लेना पड़ा। उस साइड में एक ही साइड चल रहा था सर, सी डी में कुछ हो नहीं रहा था, चार पांच अटेम्प्ट दे दिए, डेढ़ साल निकल गई सर उसमें मेरी। सी जी एल के लिए क्यों नहीं ट्राई किया सर? सी जी एल के लिए इसलिए ट्राई नहीं किया क्योंकि हमेशा स्टार्टिंग से मतलब यूनिफॉर्म जो पसंद, तो जी एस टी की यूनिफॉर्म भी मिलती है, प्रिवेंटिव ऑफिसर को भी मिलती है जी, छह लेवल पे जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसकी तैयारी करने की सोच रहे हैं, तैयारी उसके लिए कर, मेरे लिए तैयारी कर, अपने लिए मत कर, ठीक है ना? बिल्कुल सर, ठीक है ना? क्योंकि मुझे नहीं पता, ये कोई शायद भगवान का ही मैसेज है, बार बार मेरे मुंह से जो चीज निकल रही है कि भाई सीपीओ ठीक है आपने किया क्वालिफाई, ये अच्छी भी बात है, लेकिन फिर भी आई विश कि आप एक अच्छे लेवल पर जरा इस वाली लाइन पर भी सोचो। जी सर बिल्कुल, ठीक है ना? क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स की जरूरत होती है जो मुस्कुराकर अपने साथियों से काम करा सके, वरना मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें सिलेक्शन के बाद भी आकर मिलते हैं ना, तो वो कहते हैं सर आप जो क्लास में हंसी मजाक वाला माहौल रखते हो ना, जो मुस्कुराकर चीज़ों को बताते हो और कहते हो बेटा असली ऐसी तैसी, तो तब शुरू होगी जब आप जाके कहीं पर काम करोगे, जब जॉब लग जाएगी, तो सर अब महसूस होता है। और हम फिर कोशिश करते हैं कि हंस लेते हैं, क्योंकि घर पे भी 50 तरह की टेंशन होती है और ऑफिस में 50 नहीं 500 तरह की टेंशन होती है, उस बीच में कहीं जिंदगी जीने का फिर आपका वो फंडा काम आता है। तो आपने सर वो एक स्टीरियोटाइप भी ब्रेक किया है कि मतलब पढ़ाई पढ़ाई नहीं करते रहना, थोड़ा लाइफ में अलग भी करिकुलर एक्टिविटीज भी करना, आपके सॉन्ग्स देखे सर हमने। अरे भाई भाई सर वो सीरियसली वो स्टीरियोटाइप टूटा है सर, मतलब वो टेंशन सी रहती थी कि पढ़ाई पढ़ाई हमेशा, वो देखा ना कि टीचर्स भी कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा सा इंडल्स रहते होते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर। हंसो ना, मतलब इस जिंदगी में और करके क्या जाओगे ये तो बताओ। ये देखो आपका दो फंडा है, स्ट्रगल कर लो उसके बाद एंजॉय खूब करना है, एंजॉय पहले कर लो स्ट्रगल बाद में करना है, ठीक है? और इन्हीं दोनों चीजों के बीच में एक जगह कहीं है लाइफ जो आपकी हर पल बीत रही है, तो अपनी लाइफ को लेकर कम से कम इतना तो हर पल हमें फोकस्ड रहना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी तो जी लें। तो दोस्तों ने क्या साथ निभाया मतलब तैयारी में? सर दोस्तों ने हमेशा ये लगाओ एक घंटे हम डेली बात करते थे, एक घंटे मतलब उसको हमारे टॉपिक्स होते थे डिफरेंट डिफरेंट, जैसे चार टॉपिक्स प्रोडक्टिव मतलब टॉपिक्स होते, चार टॉपिक ले लिए, जैसे कोई भी चार टॉपिक एआई ले लिया, हमारी टॉक्स होती तीन तीन मिनट की उस टॉपिक की ऊपर, इंग्लिश लैंग्वेज में ही होती थी मोस्टली सर, तो वो वहाँ पे बहुत हेल्प की। और फिर 15 मिनट बात करते थे कि यार ये क्या चल रहा है, कैसे हो गया, फिर सब एक दूसरे को संतावना देते थे, फिर सब आराम से होते थे, ये मतलब हानि ना जाएगा आराम से। कभी कभी वो टॉक्स लंबी चलती थी सर, तो कभी मतलब आपस में जब यार दोस्त बात कर रहे होते थे तो कभी आइडियोलॉजी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होता था, जैसे हर इंसान की अपनी एक आइडियोलॉजी है। बिल्कुल बिल्कुल होता है सर आइडियोलॉजी को लेकर, क्योंकि जब सीडीएस के लिए कॉन्फ्रेंस वाला जब मुद्दा आता है तो उसमें एक आइडियोलॉजी बहुत मैटर करती है। जी बिल्कुल, आप एथिकली क्लैश करते हैं, उस सिचुएशन को कैसे डील किया? बिल्कुल होता सर, मतलब सिचुएशन को डील ऐसे किया कि सर मतलब जैसे कोई भी टॉपिक उठाया हमने तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी सीख समझ आती यार ये सही बोल रहा है कहीं ना कहीं, बिल्कुल ऐसे ही नहीं कि बिल्कुल तू गलत ही बोल रहा है भाई, कि आप बिल्कुल ही कुछ है ही नहीं इस टॉपिक, सोचते थे कि कहीं ना कहीं सही बोल रहे होंगे ये भी, इनकी सोचो पॉइंट, तो उनको हम पॉजिटिव लेते थे। अच्छा हरियाणा में अधिकतर एक कहावत है, मैं खुद भी हरियाणा से ही हूँ और हरियाणा में एक कहावत है बेटा अब सरकारी नौकरी नहीं रह रही, कभी ये वाला मुद्दा फेस किया आपने? सरकारी नौकरी अब नहीं रह रही, क्यों परेशान हो रहा है बेटा अपना? नहीं सर ऐसा तो फील नहीं किया, मतलब हमेशा से था उसमें जो मैं तैयारी कर रहा था सर उसमें रेगुलर एक हमेशा कभी भी वो मतलब रुकी नहीं वो वैकेंसी, जैसे सीडीएस की और एफकेट की वैकेंसी कभी इवन कोविड टाइम पे भी नहीं रुकी, नहीं रुकी तो उसमें कभी फील ही नहीं हुआ कि नहीं होगा कि ऐसे। फिर डेढ़ साल वाला टाइम जब बीता तो स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगा सर, तो फिर थोड़ा सा स्विच करना पड़ा कि अभी थोड़ा सीपीओ में देखते, वहाँ तो हो ही नहीं रहा है, बार बार में घूम के आ रहे हैं वहाँ पे। अच्छा इस चीज़ में एक बात बताओ, जैसे आप खुद तैयारी कर रहे थे, छोटी बहन नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रही है, तो कई बार ऐसा होता होगा कि आप खुद डिमोटिवेटेड होते होगे और छोटी बहन जब तैयारी कर रही होती है तो आपको भी मतलब उसको दिखाई दे रहा है कि मतलब वो भी डिमोटिवेटेड है, तो ऐसी सिचुएशन में वो होता है ना कि रोना खुद भी आ रहा है लेकिन सामने वाले के आंसू पहुंचने होते हैं, वो सिचुएशन कभी? ये मोस्टली होता था रात को जब डिनर करने आते, सुबह मतलब पढ़ते थे तो फिर रात को आते थे डिनर करते थे बैठते साथ, तो मतलब हमेशा पापा का रहा है कि साथ बैठ के डिनर हुआ है सर हमेशा मोस्टली हमारा, तो फैमिली सारी बैठती थी तो फिर वहाँ पे 5-10 मिनट पापा कहते हैं कि अगर पापा भी शाम को आते थे हमेशा ही 24 घंटे ड्यूटी होती है तो मतलब शाम को आते थे, तो 5 मिनट हमेशा उनका रहा है कि पक्का बैठेंगे और 5 मिनट बैठ के हंसी मजाक जरूर करनी है, 5 या 10 मिनट पापा का हमेशा रहा है कि यार सारी स्ट्रेस दूर हो जाती है दिन की। भाई सभी जो भी पेरेंट्स इस जो भी बच्चे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं वो जरूर पेरेंट्स को ये चीज़ जरूर दिखाएं कि पेरेंट्स लाख चीज़ों में बिजी हों, चाहे कोई भी तरह के काम में वो बिजी हों, लेकिन शाम को अपने बच्चों के साथ जरूर उनको बैठना चाहिए। कारण क्या है, बच्चों के अंदर भी आज के टाइम में इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, नेचुरल है, ये एज के साथ आती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब जिनकी किस्मत तेज काम करती है और जल्दी जॉब लग जाते हैं। एक बच्चे का इंटरव्यू हम ले रहे थे तो वो बच्चा बता रहा था, बोला सर जीएस वीएस मैंने नहीं पढ़ी,
उस बच्चे का इंटरव्यू लिया मैंने, राकेश सर ने बोला मैंने GSVS नहीं पढ़ी सर, है तो सीधा का सीधा क्वेश्चन देखे और सीधे अपने तुक्के लगाए, ये मिलता सा है, ठीक है ठीक है। वो बच्चा 50 में से 32 क्वेश्चन ठीक करके आया है। दैट वॉज हिज डे, वो उसका लक्की डे था कि वो कहते हैं ना कि मिट्टी में भी हाथ डाले सोना निकालेगा, वो तो वो उसका लकी डे था कि जो वो आंसर मार्क कर रहा तो कैसे उसके सारे ठीक हो रहे हैं। ऐसे ही इवन मेरा एक छोटा भाई है जिसको भी ASO लगा है, 1200 कुछ रैंक है उसकी, अभी CSS में ASO लगा, इस बार यहाँ इंटरव्यू हुआ तो मनजीत कर, अच्छा अच्छा सेम उसने किया था सर। बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, तो उसको कभी कभी एक दिन होता है तो पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट ये है कि अपने बच्चों को बच्चों की तरह से नहीं, एक बार दोस्त की तरह से उनके साथ बैठ के जरूर दुख सुख की बात जरूर करनी चाहिए। क्योंकि देखो मैं तो इस बच्चे का गुरु, मेरा तो एक ऐसा रोल है कि जब सिलेक्शन होगा तभी ये मेरे रूबरू आके बैठ सकता है और मेरे पास इसके लिए जो भी अच्छी सलाह होगी मैं नेचुरल इसको दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी जो एसेट है वो पेरेंट्स की होती है। एक बच्चा वो बाहर कहीं जाकर गलत सलाह किसी से ले ले वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो पेरेंट्स से गुजारिश है कि बच्चों के साथ जरूर बैठें, सारा दिन बेटा आपने क्या पढ़ा, आपकी लाइफ में ऐसी तो कोई बात नहीं जो आप बताना चाह रहे हो नहीं बता पा रहे हो, कोई डिस्ट्रैक्शन आया हो आपकी लाइफ में, कोई डिस्ट्रैक्शन आया? डिस्ट्रैक्शन तो नहीं रहा सर, बस उस लेक्चर ही नहीं हुआ डिस्ट्रैक्शन, और कोई था ही नहीं सर। कॉलेज लाइफ में मतलब इतना पढ़े नहीं, कॉलेज लाइफ में डिस्ट्रैक्शन थे लेकिन तैयारी करने के बाद में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। सर बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, कुछ नहीं फालतू की बकवास नहीं सर, कुछ नहीं ज्यादा, बहुत अच्छी। जिसने अपना विजन क्लियर कर दिया कि मुझे टू द पॉइंट ये पढ़ना, अपना सिलेक्शन लेना है। और मेरे गुरुजी हुआ करते थे, वो मुझे हमेशा एक बात कहते थे, मैं जब ग्रेजुएशन करता था कर रहा था तो मेरे गुरुजी हुआ करते थे, वो हम तो टीचर सर कुछ कहते नहीं थे, हम तो गुरुजी कह के बातें करते थे एक सर, तो यही कहते थे कि बेटा जिस इंसान को तुम्हारे घर वाले ढोल बजा के लेके आएंगे ना जी, उसके लिए तुम अभी परेशान मत हो, ठीक है ना, जो तुम अभी करना चाह रहे हो इससे परेशानी बढ़ेगी, तुम्हारे घर वाले ढोल बजा के तुम्हारा जीवन साथी लाएंगे, तब आराम से अपना खूब लाइफ एंजॉय करना। तो सबके अपने अपने विजन होते हैं। खैर, लाइफ में कभी कोई ऐसा मोड आया कि मन किया कि पढ़ाई को छोड़ के कुछ और काम किया जा सकता है? आया था सर, अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही आया था, जब लास्ट SSB दे के आए थे कि हो ही नहीं रहा छोड़ो, थोड़ा पापा बोल रहे थे थोड़ा सा मतलब भाई छोटी फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं, ऑयलिंग वाले में डिपार्टमेंट जाते हैं, फिर एक बार घुस भी गए सर उसमें, तो फिर सोचा यार एक लास्ट ट्राई और करके देखते हैं। बढ़िया, लास्ट ट्राई करके देखते। तो अब तो भाई अलविश यादव भी सुना है कि तैयारी कर रहा है CGL अलविश यादव को क्या CGL का सर ये खौफ है मतलब ये देखो आप कौन कौन तैयारी कर रहा है ये देखो भाई भारत में सरकारी नौकरी का तो ये मतलब अच्छा वैसे है आसान मतलब अगर जैसे अलविश यादव जो बार बार मतलब रीले चल रही है, बहुत सारे टीचर साथी टीचर्स भी बना रहे हैं कि मैं अलविश यादव को पढ़ाऊंगा रीले करूंगा, बोलने को तो आसान लगता है? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो माइंडसेट बिल्कुल वो माइंडसेट मुझे लगता है कि या तो कोई टीचर आपके अंदर वो आग लगा सकता है या फिर वो अंदर से ही आती है आवाज की अब मैं मेरे को तैयारी करनी और मुझे कुछ नहीं करना। नहीं सर वो मुश्किल बहुत है, मैं 2 साल दे चुका हूँ मुझे पता है कितना मुश्किल है, वो कंटिन्यूटी रखना बहुत मुश्किल है सर। देखो भाई ये तो बात है, जो बच्चा CDS या NDA या डिफेंस की अगर तैयारी करके और वहाँ अगर असफल हो जाए तो उसका संभलना बहुत मुश्किल होता है। जो मेरा तजुर्बा है, मैं अपने स्टूडेंट्स को जो देखता हूँ उनका संभलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इट्स वेरी टफ टू टेक अ यू टर्न और वापस कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना। वो सबसे वर्स्ट टाइम था सर उस टाइम का कि वाई नहीं चांस निकल गया एयरफोर्स का, फ्लाइंग में हमेशा इंटरेस्ट आता सर मेरा। तो आप CPO का दोबारा पेपर देंगे? सर CPO अब नहीं दूंगा सर, मैं CGL की मेन तैयारी, CGL की तैयारी मेरे लिए करना बेटा, आपके लिए CGL की तैयारी का मतलब टॉप 10 रैंक में मुझे रिजल्ट चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ा अच्छा लगा अंकित से बात करके और खुशी की बात यही होती है कि कोई बच्चा पहली मुलाकात में ही मैंने जैसे इसको देखा और मेरे दिल से आवाज आई कि यार ये CGL की तैयारी इसको करनी चाहिए। मतलब CPO बुरा नहीं है, ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा पद है, इस पर भी काम करके आप देश की सेवा कर सकते हैं, लेकिन कई बार होती है एक वाइब्रेशन आती है, तो इस बच्चे की वही वाइब्स हैं। तो इस बच्चे को बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं और आगे आने वाले कोई भी एग्जाम की तैयारी ये करें ये भी अच्छी बात है, और इसकी बहन को इसके छोटे भाई को भी बहुत सारी आने वाले भविष्य में अच्छी तैयारी करके सिलेक्शन लें, ठीक है। और थैंक यू आपके ग्रुप को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ और सिलेक्शन आपकी तरह से सिलेक्शन की चाय भी पियेंगे भी इस बच्चे के साथ हम, ठीक है बच्चों, बाय।